हेलो दोस्तों, विदिशा किचन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे दमदार आलू बनाना। बहुत ही आसान रेसिपी से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। तो ये कुछ छोटे साइज के आलू, ये बॉइल्ड आलू हैं जिन्हें मैंने उबाला था कुछ इस तरीके से। ये मैंने छोटे साइज के आलू लिए हैं, आप चाहें तो बड़े साइज के आलू भी ले सकते हैं और उन्हें कट करके यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें डाल दिया 4 गिलास पानी। अब हम इसे ढक देंगे और लगभग 2 सीटी आने तक पका लेंगे। ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे नमक 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसलिए ऐड किया है ताकि जब आप फ्राई करें तो नमक आलू के अंदर अपने आप चला जाए, इसके लिए आपको आलू में होल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आलू का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैं इन्हें कम तेल में ही फ्राई करूंगी, आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। सारे आलू आप इसमें डाल दीजिए। इन्हें एक बार अच्छे से हिला दीजिए ताकि ऑयल चारों तरफ लग जाए। अब मैं इन्हें पलट रही हूँ। आपको इन्हें तब तक सेकना है जब तक इन पर हल्की सी गोल्डन कलर की परत ना जल जाए। ये आलू के ऊपर गोल्डन परत आ चुकी है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। कढ़ाई में मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। आप इसे तभी यूज करें जब इसमें से धुआं निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे लाल मिर्च सूखी हुई 2, तेज पत्ता 2, 2 इलायची और 4 से 5 लौंग। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इनमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लगभग 1/2 चम्मच, थोड़ी सी चीनी। चीनी इसलिए ऐड की जाती है ताकि आपकी सब्जी का कलर बहुत अच्छा रहे। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हुए हैं, इन्हें मैंने हल्का सा क्रश किया हुआ था। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। इसमें से मैं हल्का पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से भुन जाएं। मैंने जो थोड़ा सा कवर कर दिया था। अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। आप इसमें रेड टमाटर ही यूज करें तो सब्जी का कलर ज्यादा अच्छा आएगा। मैंने इसे लगभग 2 मिनट कवर करके पकाया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। गरम मसाला सबसे ऐड करिए जब आप सब्जी सर्व करिए। मैं यहाँ पे नमक भी सबसे लास्ट में ऐड करूंगी। हम इसे थोड़ी देर और ढक के पका लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसे ढक के लगभग 3 मिनट पर पकाया है। ये देखिए, हमारे टमाटो की पूरी एकदम परफेक्ट है। मैंने यहाँ पे डाला है 1 पिंच हींग। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू ने तेल छोड़ दिया है, बिल्कुल इसे ऐसे ही पकाना है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1 गिलास पानी। ये मसाले वाला पानी था जो हमने प्याज पीसा था तब बनाया था। 1 चम्मच गरम मसाला, आप ये सब्जी सर्व करते टाइम भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें अपने आलू डाल देते हैं। आलू में फोर्क से छेद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें पहले ही नमक और मसाले एब्जॉर्ब हो चुके हैं।
आप इसे ढक दीजिए और 3 मिनट पका लीजिए। अब मैंने इसमें ऐड किया 1 चम्मच टमाटो केचप, बहुत जरूरी है, और 2 हरी मिर्चें। टमाटो केचप से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक मैंने लिया है 1.5 चम्मच। मैंने इसे एक बार फिर से कवर किया है। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। धनिया पिया है, अब हम इसे एक बार और कवर कर देंगे। आप इसे कवर करके पकाएंगे तो ये ज्यादा टेस्टी बनेगा। ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आपको जितनी गाढ़ी करी रखनी है उतना पानी आप ऐड करिए। ये देखिए एकदम परफेक्ट तैयार हुए हैं। जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनेगा। लीजिए हमारे दमदार आलू एकदम तैयार हो चुके हैं। थैंक यू।